नागरिकता कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। जैसे कि कयास लग रहे थे, लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके बाद आज से ही देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो जाएगा। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नियमों को तैयार करने के लिए लोकसभा में अधीनस्थ कानून पर संसदीय समिति की तरफ से एक और विस्तार मिला था। इसके लिए पोर्टल भी तैयार हो चुका है, जिसके जरिए नागरिकता पाने के लिए आवेदन किया जा सकेगा। आइए इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं कि इस कानून के लागू होने के बाद किस किस को इसका फायदा मिल सकेगा। नागरिकता संशोधन विधेयक 11 दिसंबर 2019 को संसद ने पारित किया था। एक दिन बाद ही इसे विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई। हालांकि इसे लेकर देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था और कानून के अधिनियमों को सूचित नहीं किया जा सका था। केंद्र ने नियम बनाने के लिए कई बार संसदीय समितियों से इसका विस्तार भी लिया। CAA के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए धार्मिक प्रताड़ित रहे गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। इस नियम के लागू होने के बाद इन देशों से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी हो जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान से करीब 32,000 लोग भारत आए हैं। CAA लागू होने से इन्हें नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा और इसका ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। जो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, उन्हें उस वर्ष की घोषणा करनी होगी जब उन्होंने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के बिना भारत में प्रवेश किया था। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह चुके ऐसे अल्पसंख्यक जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आ चुके हैं, ये नियम उनके लिए है। इससे पहले भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 11 साल तक भारत में रहना जरूरी था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इस नियम को आसान बना दिया गया है। जब CAA लाया गया तो इसे लेकर तमाम तरह के विरोध हुए। विरोध प्रदर्शन या पुलिस की कार्रवाई के दौरान 100 से अधिक लोगों की मौत भी हो गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 200 से अधिक जनहित याचिकाएं भी दायर की गई थी। इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार यह लगातार कहते रहे कि CAA हर सूरत में लागू किया जाएगा। COVID-19 महामारी के कारण इस अधिनियम को लागू करने में देरी हुई है, लेकिन जो लोग सोचते हैं कि यह नहीं होगा, वे गलत साबित होंगे। ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल उठे। लोगों ने CAA को NRC यानी नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर बनने के पहले चरण के तौर पर देखा। कई लोगों को लगा कि उन्हें विदेशी घुसपैठिया बताकर उन्हें भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा। पड़ोसी देश बांग्लादेश के लोग इससे ज्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें लगा कि CAA के बाद NRC लागू कर दिया जाएगा और वहां से आए लोगों को वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। BJP शासित असम और त्रिपुरा में CAA को लागू करने को लेकर ज्यादा आशंकाएं रही और कई सवाल रहे। इसका सबसे पहले विरोध असम से ही शुरू हुआ था। समझा गया कि इस कानून से असम की जनसांख्यिकी को स्थायी रूप से बदल दिया जाएगा। असम में आंदोलन कर रहे लोगों का कहना था कि CAA यदि वहां लागू हो गया तो सैकड़ों की तादाद में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को यहां की नागरिकता मिल जाएगी और इससे उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान खतरे में पड़ जाएगी। ऐसे में हम कुछ सवालों के जवाब भी आपको दे रहे हैं, जिससे हो सकता है कि कई शंकाओं का समाधान हो सके। क्या इससे भारतीय नागरिकों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो यह जान लीजिए कि इससे भारतीय नागरिकों की नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संविधान के तहत भारतीय नागरिकों को नागरिकता का अधिकार मिला हुआ है और इसे कोई नहीं छीन सकता। वहीं सवाल यह भी उठ रहे होंगे कि क्या इस कानून के लागू होने के बाद गैर कानूनी मुस्लिम इमिग्रेंट्स का क्या होगा? तो यह भी साफ समझना जरूरी है कि CAA विदेशियों को देश निकाला देने के लिए नहीं लाया गया है। ऐसे मुस्लिम इमिग्रेंट्स जो गैर कानूनी तरीके से भारत में घुस आए हैं, उनके लिए विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 पहले से लागू है। दोनों कानूनों के तहत किसी भी देश या धर्म के विदेशियों को देश से निकाला जा सकता है। कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं कि क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अलावा भी किसी अन्य देश से आए गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी? तो जी नहीं, यह कानून सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान,
बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए 6 अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ही है। अब जानिए कि इस कानून को लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार क्यों लागू करने जा रही है। तो ये समझिए कि 2021 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और पिछले लोकसभा चुनावों में CAA लागू करने का वादा BJP का एक प्रमुख चुनावी मुद्दा था। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार इस कानून का सबसे ज्यादा विरोध करती रही है, जबकि BJP इसे लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता कई बार जाहिर कर चुकी है। माना जाता है कि यह ऐसा मुद्दा था जिसने पश्चिम बंगाल में BJP का उदय कर दिया। इस बार भी BJP की नज़र पश्चिम बंगाल पर है और वह वहां से ममता बनर्जी सरकार को खदेड़ना चाहती है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से पहले CAA लागू करना BJP सरकार का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। राम मंदिर का निर्माण और मुस्लिम देशों से आए हुए हिंदुओं को भारतीय नागरिकता देना, यह सब हिंदू मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का एक तरीका है। इसलिए सरकार प्रवासी हिंदुओं के लिए भारत की नागरिकता लेकर उन्हें यहां बसाना चाहती है। लिहाजा यह कानून विपक्ष के सबसे ज्यादा निशाने पर रहा है। विपक्षी नेताओं के अनुसार इस पूरे कानून के तहत मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है जो समानता के अधिकार की बात करता है, लेकिन BJP हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। हालांकि कह सकते हैं कि केंद्र सरकार का यह फैसला बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए उम्मीद का उजाला लेकर आएगा, तो वहीं पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हिंदू सिख शरणार्थियों को भी इससे बड़ी राहत मिल सकती है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।